भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता कहे जाते हैं, इसलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां लोगों की श्रद्धा को प्रगाढ़ करती हैं। भगवान गणेश की पूजा हमेशा गजानन रूप में होती है, लेकिन हाथी का सिर उन्हें कैसे मिला और उनका असली मस्तक किस स्थान पर पिंडी रूप में स्थित है, इससे हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं। ये स्थान पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट तहसील में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का मस्तक आज भी मौजूद है और इस मस्तक पर ब्रह्म कमल से दिव्य बूंदें गिरती रहती हैं। ये तो ऐतिहासिक दृष्टि तो हमारे पास ऐसा पुरातत्व शास्त्र नहीं है, लेकिन जो किंवदंतियां हैं और उसका जो थोड़ा बहुत तालमेल जो बैठता है, अगर आप पाताल भुवनेश्वर में जाते हैं वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती है वो वास्तविक धड़ टाइप का वो पत्थर का बना हुआ जो है, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर गुफा जो है वहाँ पर चूने का पानी गिरता है, जिस कारण से वहाँ पर अनेकानेक रचनाएं हुई हैं। वहाँ पर ये किंवदंती है कि जब शिव जी ने पार्वती के द्वार पर उनको रोका गया गणेश के द्वारा, उसका सिर अलग कर दिया था, फिर हाथी का सिर लाया गया पार्वती के अनुरोध पर, उनको गणेश बना दिया। लेकिन जो हाथी का धड़ जो है वो गिरा हुआ कहते हैं कि पाताल भुवनेश्वर में किंवदंती प्रसिद्ध है, वहाँ पर लोग जाते हैं उस धड़ नुमा पत्थर को देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हों। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। इस गुफा का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। कलयुग में 722 ईस्वी के आसपास जगत गुरु शंकराचार्य का इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग को तांबे से बंद कर दिया था, क्योंकि इस शिवलिंग में इतना तेज था कि कोई भी व्यक्ति इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकता था। बहुत विदित स्थान है, यहाँ से कैलाश तक उसका लिंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाताल में जो गणेश जी का कटा हुआ विग्रह है, क्योंकि वहाँ गणेश जी का जो है मैन विग्रह दिखाया गया है। दूसरी बात यह है, जैसे सृष्टि की रचना हुई वैसे ही पाताल की रचना भी हुई है, क्योंकि सृष्टि का संबंध पाताल के साथ है, क्योंकि वहाँ कलयुग का अंत है, तो जब उसके अंदर कलयुग का अंत बताया गया है तो उससे ये विदित होता है कि सृष्टि की पूरी रचना ही इस पाताल में हुई होगी। एक चर्चित गुफा है और ये पौराणिक गुफा है और इसे पौराणिक काल से इसका जिक्र आता है और इसके ये पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में है। ये भी बताया जाता है इसमें कि अयोध्या के राजा ऋषि पर्णा के द्वारा यहाँ आए थे, तो उन्हें मृग की ढूंढ में यहाँ गए थे, तो इनको यहाँ शिवलिंग मिला और ये पाताल गुफा के अंदर वो गए थे मृग के पीछे, तो यहीं से शिवलिंग का पता लगा। बाद में शंकराचार्य ने भी यहाँ पर तांबे का शिवलिंग स्थापित किया और ये पूरी सिद्ध जगह है। अभिलेख जो है 14वीं शताब्दी में भी मिले हैं, मुगल काल में उसके बाद एक अभिलेख लिखा हुआ है और ये गुफा एक दर्शनीय स्थल है, एक रमणीय स्थल है और एक आश्चर्यजनक बात है ये। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में चार पत्थर भी स्थापित हैं। गुफा में प्रवेश करते ही नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरती संरचना पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इन्हीं पर टिकी है। थोड़ा आगे चलते ही भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा और काल भैरव की जीभ से टपकती लार लोगों को अचंभित कर देती है। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा तो स्वर्ग का मार्ग भी यहीं से शुरू होता है। इसके अलावा इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का संसार बसा हुआ है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद आप इन चीजों पर यकीन करने से खुद को चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।